के बाद खबर सोनभद्र से, जहां शक्तिनगर में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रेलर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बाइक सवार एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। घटना की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज घायल युवक को अस्पताल भिजवाया। इधर कानपुर पुलिस के हिरासत में एक आरोपी फरार हो गया। कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए आरोपी को लाया गया था, जिसका नाम सोनू है। गैंगस्टर के मामले में पेशी होनी थी, लेकिन मौका देखकर वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। आरोपी के फरार होने की सूचना कोर्ट परिसर में फैल गई। पुलिस की एक टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। दिनांक 28 मार्च 2024 को एक अभियुक्त सोनू सिंह सन ऑफ गया सिंह, जो गैंगस्टर कोर्ट में जेल से पेशी पर आया था, वो फरार हो गया है। इस सूचना पे तत्काल कोतवाली पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। सीसीटीवी कैमरे आदि से तलाश कराया जा रहा है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इधर सोनभद्र जिले के पिपरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25-26 मार्च की रात हुए हत्या का खुलासा किया। हत्या में शामिल मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल गमछे को भी बरामद कर लिया है। वीरेंद्र गोस्वामी की गला दबाकर हत्या हुई थी। मृतक वीरेंद्र गोस्वामी की पत्नी अनीता अपने प्रेमी, जिसका नाम सत्या उर्फ सुजीत है, जो निवासी है दुगोली गांव, थाना हनमना, जनपद रीवा का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर रात को 2 बजे के आसपास, 25-26 की रात को, उसी के गमछे से, मृतक के गमछे से ही गला कस के उसकी हत्या कारित कर दी थी। इसकी पत्नी का जो है सुजीत के साथ अवैध प्रेम प्रसंग लगभग 1 साल से पिछले चल रहा था, और इसी के क्रम में ये घटना कारित की गई। रुद्रप्रयाग में फायर सीजन में जखोली ब्लॉक के जंगलों में आजकल हर तरफ आग का कोहराम है। जंगलों को आग से बचाने की कोशिश बार बार की जा रही है, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है। अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। लाखों की वन संपदा का नुकसान हो चुका है, और अभी भी आग पर काबू पाने में विभाग असफल रहा है। बाजार के जंगलों में लगातार कई दिनों से यहाँ पे आग लगी हुई है, और जंगल, कई हेक्टेयर जंगल अभी तक जलकर राख भी हो चुके हैं। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं, पीछे लगातार आग लगी हुई है, और पहले कई हिस्सों में यहाँ पर लगभग आग लग चुके, जो अब बुझाई गई है लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार यहाँ पे चीड़ के जंगल है, और तमाम यहाँ पे जो चारा पत्ती के जंगल है, उन पे भी नुकसान हो रहा है लगातार आग से। और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा बजट एक वन विभाग को मिलता है फायर सीजन के लिए, जंगलों को आग से बचाने के लिए, उसको लेकर वन विभाग जो सतर्कता पहले से नहीं बरत पाता है, और एक असफलता वन विभाग की रहती है, नाकामी वन विभाग की रहती है, उसके चलते ही लगातार जो जंगल है वो आग की भेंट चढ़ रहे हैं। और जिले के जखोली ब्लॉक ही नहीं, अपितु कई अलग अलग क्षेत्रों में भी लगातार आग लगी हुई है, जिससे भारी नुकसान जंगलों को हो रहा है। मयाली से न्यूज 18 के लिए मैं संदीप भटकुट। बागेश्वर में एक तरफ फायर सीजन जोर पकड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी सीजन भी शुरू हो चुका है। वन विभाग के 70% से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में लगाई गई। जिले के जंगल फिलहाल मात्र 46 विभागीय कर्मचारियों और फायर वॉचर्स के सहारे हैं। 14 फरवरी से 14 जून के बीच का वक्त फायर सीजन का होता है। मार्च के बाद मौसम बदलने से तापमान बढ़ने लगता है, और अप्रैल मई में गर्मी चरम पर होती है। इस साल चुनाव की वजह से विभाग के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हैं। इधर प्रशासन का कहना है कि वो चुनाव तैयारियों के साथ ही फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए तैयार हैं। कंटिंजेंसी प्लान बनाया हुआ है कि हम लोग अगर फायर सीजन आता है तो किस किस को क्या वेव करेंगे। हम फायर जो भी फॉरेस्ट वालों की ड्यूटी हमने मैक्सिमम ओल्ड डे वाले दिन के लिए ही हम लोगों ने लगाई है पीठासीन अधिकारी। लोकसभा चुनाव में मुद्दे चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार जोशीमठ में जोशीमठ के सुरक्षात्मक कार्य और सड़क चौड़ीकरण के साथ ही नालियों का निर्माण,
सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोग इसे नगर के अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ा विकास मान रहे हैं। पिछले वर्ष आई आपदा के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने जोशीमठ में कई सुरक्षात्मक और ट्रीटमेंट के काम शुरू किए हैं। लोगों को उम्मीद है कि आने वाली सरकार जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर ठोस फैसला लेगी।